एक पल के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम वृश्चिक राशि के लिए, जी हाँ, बहुत खास है। वृश्चिक राशि का जुलाई 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रिडिक्शन जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? सिर्फ कैसा रहेगा नहीं, आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी आपके मन के अंदर सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार वैवाहिक जीवन, आपका भाग्य करियर बिजनेस कैसा रहेगा जुलाई 2023 में, और क्या उपाय करने चाहिए आपको ग्रहों को अच्छा बनाने के, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, चलिए जानते हैं। और दोस्तों, अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं कुंडली का, तो सिर्फ चैनल जो नंबर है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपको कमेंट्स करते हैं ना, वो स्कैम होते हैं, चेक कीजिएगा पहले, ठीक है? आप ध्यान से सुनिएगा। जब जुलाई 2023 शुरू होगा तो वृश्चिक राशि से नवग्रह की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी, जैसे आप देख रहे हैं। 12वें घर में विराजमान है आपके केतु, तो आपके सिक्स हाउस, आपके छठे घर में विराजमान है राहु के साथ में बृहस्पति, आपके चतुर्थ, आपके फोर्थ हाउस में विराजमान है शनिदेव, तो अष्टम भाव में है सूर्य के साथ में बुध, आपके नवम स्थान में विराजमान है शुक्र ग्रह, तो आपके दशम स्थान में विराजमान है मंगल ग्रह। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा हम ये जान लेते हैं, ठीक है? राशि के मालिक कौन बनते हैं आपके? मंगल ग्रह, सेनापति मंगल, और कहां पर विराजमान है? दशम भाव में विराजमान है मंगल ग्रह, दशम भाव में बैठे हुए हैं और कोई परिवर्तन नहीं है, मंगल ग्रह मजबूत हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं है मंगल का, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह अपने घर को फर्स्ट हाउस को देख भी रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि सूर्य और बुध जो हैं वो अष्टम भाव में विराजमान है, सूर्य आपके अष्टम भाव में विराजमान है। सिर्फ आपको 17 जुलाई से पहले पहले घुटनों से रिलेटेड, पैरों से संबंधित, ठीक है, उसका ध्यान रखना है, और कोई भी वाहन चलाते हैं तो थोड़ा बहुत सिर्फ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं 17 जुलाई से पहले पहले सिर्फ, ठीक है? बाकी आपके हेल्थ में कोई ज्यादा यहाँ पे चिंता वाली कोई बात नहीं है। वहीं अगर बात करें आपके पढ़ाई की, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2023? पंचम भाव होता है दोस्तों पढ़ाई का, फिफ्थ हाउस, और फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं देव गुरु बृहस्पति। बृहस्पति जाकर बैठे हैं छठे घर में राहु के साथ। छठा घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, छठा आठवां और बारहवां घर अच्छा नहीं होता, त्रिक भाव बोलते हैं उसको। तो गुरु के साथ में राहु बैठे हैं छठे घर में, बिल्कुल खराब है ये, यानी कि ये पढ़ाई से आपके मन को डाइवर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई से हटा रहा है, कहीं ना कहीं जो आपका कंसंट्रेशन, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो पढ़ाई से हट रही है। इस महीने ऐसा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो गुरु छठे घर में है, ऊपर से राहु, यानी कि आपको भ्रम कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, करूं या ना करूं, ऐसे प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं इस महीने। तो थोड़ा मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा लास्ट में, वो फॉलो कीजिएगा उसको स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है? वहीं बात करें आपके प्रेम प्यार की, लव रिलेशन की, पंचम फिफ्थ हाउस ही होता है दोस्तों लव रिलेशन का, और गुरु बैठे हैं छठे हाउस में राहु के साथ में। यहां पे गुरु और राहु का कंजक्शन, यानी कि गुरु राहु चंडाल दोष यहां पर जो है बना रहे हैं, और दोस्तों इस चंडाल दोष की वजह से जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी आपको लाइक आपके प्रेम प्यार में जो चीज आपका एहसास है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं उनमें कमी देखी जा सकती है, क्योंकि गुरु के साथ में राहु, गुरु राहु ये दोनों शत्रु हैं आपस में, और छठे घर में बैठकर ये कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं। अब वो हो सकता है कि बहुत छोटी बात पे आपका बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, या फिर आपस में दोनों की बातचीत बंद हो जाए, या कुछ टाइम के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, या कुछ टाइम के लिए दोनों एक दूसरे की आप गलती निकाल बैठे, ऐसा हो सकता है गोचर के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। तो उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा, अपने पेशेंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, गलती नहीं निकालनी एक दूसरे की, ठीक है? वैसे अगर हम बात करें उसके बाद मैरिड लाइफ की, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जुलाई 2023 में? सप्तम भाव होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, और सप्तम भाव के मालिक कौन बनते हैं आपके? विनस, यानी कि शुक्र ग्रह बनते हैं, और शुक्र की पोजीशन भाग्य स्थान में है, फिर 10th हाउस में प्रवेश करेंगे 7 जुलाई में। दोस्तों शुक्र की पोजीशन अच्छी है यहाँ पे, तो आपका जो मैरिड लाइफ है वो सही दिखाई दे रही है। उसके बाद शुक्र जाएंगे 10th हाउस में जाएंगे, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है वो करियर में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं परिवर्तन का, कुछ अपने काम की सोच सकते हैं,
कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं या कुछ आइडियाज उनके मन में आ सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर के। तो मैरिड लाइफ यहाँ पे मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा तो अच्छी नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठीक दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके शुक्र हैं वो 9th हाउस में विराजमान हो रखे हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ इज ओके ओके। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण विषय की हम बात करें, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसे रहेगा आपका। भाग्य स्थान के मालिक कौन बनते हैं आपके? चंद्रमा। और करियर के मालिक बनते हैं सूर्य। 10th हाउस के मालिक बनते हैं सूर्य। दोस्तों चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। कभी कभी का दिन ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि जब अमावस होती है या जब पूर्णमासी होती है, एक महीने में 2 बार ऐसे 2 दिन ऐसे होते हैं कि जब आपके जो इमोशंस हैं आपके अंदर, आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो बहुत तेजी से चलने लग जाता है। इसको कभी नोटिस कीजिएगा आप, अगर नहीं किया तो। और ऐसा ना, ऐसा हर किसी के साथ होता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी होती है फिर अमावस होता है, तो इंसान की फीलिंग्स ना दुगनी हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अगर आप सैड हैं, अगर आप उदास हैं, तो फिर आप बहुत ज्यादा उदास होने लग जाते हो, बहुत ज्यादा। और अगर आप खुश हो तो फिर बहुत खुश होने लग जाते हो। ये फीलिंग्स को बहुत बढ़ाने वाले दिन होते हैं। और चंद्रमा अगर आपके 9th हाउस के मालिक है तो कभी आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। और ऐसा रहेगा कुछ महीना, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ दिन बता देता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हम बात करें, स्टार्टिंग के टाइम पर अगर बात करें कि 10-12 जुलाई से पहले पहले आपका जो भाग्य है वो उतना ज्यादा प्रबल नहीं दिख रहा है, थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सूर्य भी अष्टम भाव में विराजमान है। लेकिन 12-13 जुलाई के बाद आपका जो भाग्य है वो थोड़ा रिकवर होगा, और खासकर 17 जुलाई के बाद जब सूर्य आएंगे 9th हाउस में अपने मित्र के घर में, तब आप निश्चित उस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। और हम करियर की बात करें, विशेष कार्य क्षेत्र की, तो सूर्यदेव 10th हाउस के लॉर्ड हैं लेकिन अष्टम भाव में है। 16-17 जुलाई से पहले पहले आर्ग्यूमेंट ना हो किसी के साथ, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। करियर में जल्दबाजी में काम मत कीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको काम अच्छा आएगा, टारगेट्स पूरे होंगे, अचीवमेंट्स मिलेंगी, नेम फेम मिलेगा, तो 17 जुलाई के बाद, 17 जुलाई से पहले सूर्य की पोजीशन कमजोर है। आप कमजोर है तो फिर आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मबल है, सूर्य आत्मविश्वास है, सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है। तो वो फिर आपका जो आत्मविश्वास है थोड़ा डाउन रहेगा। वो कहते हैं ना कि आप जो प्रेजेंट करना चाहते हो, जो बोलना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वाकई में वो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में। लेकिन 17 जुलाई के बाद कम बैक करेंगे आप अपने काम में, अच्छे तरीके से काम करेंगे, क्रेडिट आपको ही मिलेगा आपके काम का। तो यहां पर 17 जुलाई के बाद आपका मन लगेगा काम में और बेटरमेंट आएगा। और जिनके पास नौकरी नहीं भी है ना, जो जिनके पास नौकरी नहीं है, 17 जुलाई के बाद नौकरी लगने की संभावना है 60-70%, बस आप कोशिश कीजिए। वहीं अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस की अगर मैं बात करूं आपके, दोस्तों 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्र, विनस। शुक्र आपके भाग्य स्थान में है। व्यापार जो करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, ये अच्छा महीना है आपके लिए, कर डालिए, बहुत अच्छा है। कपड़ों से रिलेटेड, ब्रांडेड आइटम से रिलेटेड, लग्जरियस चीजों से रिलेटेड शुक्र चमकती दमकती चीजें, अट्रैक्टिव आइटम हो गया, गाड़ियां हो गई, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स लाइन, डेली इनकम का काम हो गया, आपका बहुत अच्छा रहेगा जुलाई के महीने में। क्योंकि शुक्र की पोजिशन अच्छी है तो बिजनेस अच्छा रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताया दोस्तों मैंने सब कुछ, नेगेटिव पॉजिटिव एग्जैक्टली। क्या उपाय करना चाहिए दोस्तों आपको? सबसे पहले तो सूर्य देव का बीज मंत्र करो आप, ठीक है? ओम राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करो रोज, सूर्य का बीज मंत्र सुबह करना है 108 बार, हनुमान चालीसा रोज फॉलो करनी है, और ओम नमः शिवाय का जाप फॉलो करें 108 बार सुबह सुबह, महादेव की कृपा रहेगी आपके ऊपर। कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।